नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों खबरों की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि इस महीने कभी भी आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। आप भी चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। आपको बता दें कि जिन भी लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10 किस्त मिल चुकी है उन्हें अब 11वीं किस्त इस महीने कभी भी मिल सकती है। इस वित्त वर्ष के लिए ये पहली किस्त होगी। आपको बता दें कि पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में सरकार हर तिमाही में 4 महीने में एक बार 2000 रुपए की समर्थन राशि भेजती है। वैसे तो आमतौर पर ये किस्त अप्रैल में ही आ जाती है, लेकिन पीएम किसान योजना के लिए पात्र किसान हैं उनकी पहचान में कुछ त्रुटियां सामने आई थी, उसमें सुधार करने के कारण अप्रैल में किस्त नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि अगर आपको 10 किस्त मिल चुकी है और आपके डॉक्यूमेंट्स में सारे अपडेशन हैं, तो इस महीने आपको 11वीं किस्त मिल जाएगी। आप इसका स्टेटस खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में XE वेरिएंट से एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि, जाने क्यों है इसको लेकर टेंशन। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि जानकारी मंगलवार को आई है, पर आपको बता दें कि व्यक्ति किस देश के किस राज्य का है या शहर का है ये अभी सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा केस ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के ज्यादा पाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 12 राज्यों में मामले बढ़े हैं, जबकि 19 राज्यों में मामले घटे भी हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट की वजह से भारत में तीसरी लहर देखी गई थी। हालांकि XE वेरिएंट BA.2 वेरिएंट से 10 गुना अधिक संक्रामक है। हालांकि अभी तक XE वेरिएंट का कोई क्लस्टर गठन नहीं देखा गया है, पर यहां पर आपको बता दें कि विशेषज्ञ यही बताते हैं कि फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1000 से अधिक मामले। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को COVID-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में बीते 24 घंटे में 1076 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर अब 6.42% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1076 नए मामले सामने आए, जबकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और इसी दौरान 1329 मरीज कोविड से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आधिकारिक तौर पर 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं पुतिन। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि ये एक ऐसा कदम होगा जो मास्को के रिजर्व बलों को पूरी तरह से जुटाने में सक्षम होगा, क्योंकि आक्रमण के प्रयास लड़खड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट की माने तो रूस में 9 मई को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिन 1945 में नाजियों की देश की हार की याद दिलाता है। आपको बता दें कि पश्चिमी अधिकारियों ने लंबे समय से माना है कि पुतिन उस दिन के प्रतीकात्मक महत्व और प्रचार मूल्य का लाभ उठाकर यूक्रेन में एक सैन्य उपलब्धि की घोषणा करेंगे। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने इस परिदृश्य पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, जो कि पुतिन औपचारिक रूप से 9 मई को यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक। बीते 24 घंटे में 2568 नए मामले, जबकि 20 लोगों की गई जान। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए मामले सामने आए। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के मामलों में करीबन 18.6% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सोमवार को देश भर में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए थे, पर यहां पर आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ही देश भर में 2911 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसी दौरान 20 और मरीजों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि तीसरी, पांचवी और आठवीं की हो सकती है बोर्ड जैसी परीक्षा। इससे छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को किया जा सकेगा ट्रैक। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित छात्रों की प्रतिभा को प्रत्येक स्तर पर आंकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। इसके तहत तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं जैसी ही आयोजित की जा सकती है। फिलहाल ये बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि उसके जैसी ही होगी। इसका आयोजन भी क्षेत्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त प्राधिकरण की देखरेख में होगा। केंद्र राज्यों के साथ व्यापक चर्चा भी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि कई राज्यों में पहले भी पांचवी और आठवीं के स्तर पर ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती थी। हालांकि साल 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद से ये व्यवस्था बंद हो गई थी।
क्योंकि इस कानून के तहत 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। इस बीच आपको बता दें कि कई राज्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को फिर से शुरू करने की एक पहल की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, डेनमार्क में पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत, नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। यहाँ पर आपको बता दें कि अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुँचे। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहाँ उनके अगवानी के लिए खुद डेनमार्क के पीएम पहुँचे। इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी हुई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, मुश्किल में राष्ट्रपति गोटबाया और पीएम महिंद्रा राजपक्षे, सरकार के खिलाफ विपक्ष आज लेकर आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। आपको बता दें कि श्रीलंका के विपक्षी दल बुधवार को संसद में SLPP गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। वहीं संकटग्रस्त सरकार ने नए संविधान के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति के गठन की घोषणा कर दी है। यहां पर आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल ने कहा है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। आपको बता दें कि विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती है तो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले जारी। आपको बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को मारियोपोल शहर से नागरिकों की निकासी तो की, लेकिन नजदीकी स्थित स्टील फैक्ट्री पर हमला भी होता रहा। आपको बता दें कि फैक्ट्री से रविवार को करीबन 100 महिलाएं और बच्चे निकले, जो यूक्रेन के कब्जे वाले जेप्रोजिया शहर पहुंच गए। इस बीच रूसी सेना के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले अभी भी जारी हैं। लुहांस में रूसी हमले में 3 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, ट्रंप बोले, बाइडेन ने यूक्रेन मसले को उलझा कर रख दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं और उन्होंने इस मसले को उलझा कर तनाव और बढ़ा दिया है। यूक्रेन मसला अब बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया और ये एक विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने 16 महीने में अमेरिका की हैसियत को बर्बाद करके रख दिया है। वो अमेरिकी इतिहास के 5 सबसे विफल राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, डेनमार्क की धरती से रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की पहल, बोले तुरंत हो युद्ध विराम। आपको बता दें कि यूरोप दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी के बाद अब डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं। जर्मनी की तरह ही डेनमार्क में भी पीएम नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम होंगे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया नॉर्डिक समिट में भी शामिल होंगे, जो काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और डेनमार्क के बीच में कई समझौतों पर सहमति बन गई है, साथ ही साझा बयान भी जारी किया गया। बयान जारी करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम लगना चाहिए। भारत द्वारा लगातार ये अपील की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, 4 दिनों तक लगातार इस राज्य में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग के इस गुड न्यूज से मिल गई है राहत। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के राज्य गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने उत्तर भारत में मौसम बदलने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों को कुछ दिनों तक हीट वेव से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक जमकर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की शिमला में 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना बताई गई है। आपको बता दें कि शिमला में 3 मई से लेकर 6 मई तक न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। यहां 3 से 6 मई के बीच में बारिश की संभावना बताई गई है। 4 मई की बात करें तो चंबा में गरज के साथ बारिश की। तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।